अपना रूप बदल दिया ना गया। आज ऐसी एक उत्तम सेवा मीडिया के माध्यम से हो रही है। ये बातचीत ये कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई मोदी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश के करोड़ों बच्चों का कार्यक्रम है। तो मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि मुझे एक विद्यार्थी के नाते और आप सब मेरे एग्जामिनर हैं, देखते हैं बाद में आप लोग तय करना कितने अंक देना है दस में से। तो शुरू करें। पहले हम तीन सवाल ले रहे हैं। दिल्ली से समीक्षा पांडे आपसे सवाल करना चाहती हैं, जो इस वक्त यहीं पर बैठे हुए हैं। आप समीक्षा फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू विद्यालय भोगेशपुर दिल्ली ऑफ क्लास 11। माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग नॉमिनेशन इज फाइट ऑफ इक्वली प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट देयर इज अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस टिल द एग्जाम इज ओवर, सो हाउ कैन वी कोप अप विद दिस। थैंक यू सर। पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के बावजूद परीक्षा समाप्त होने पर डर लगा रहता है, इस स्थिति का सामना कैसे करें? फाइनली इसी से मिलता जुलता एक सवाल संजना ने भी पूछा है रिपब्लिक टीवी के माध्यम से। पूछा है, व्हाइल राइटिंग एग्जाम्स आई टेंड टू फॉरगेट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स फॉर्मूले एंड डेफिनेशन इवन दो आई हैव स्टडीड इट मेनी टाइम्स, हाउ डू आई मैनेज इट बेटर? ऐसा ही सवाल कई बच्चों ने पूछा है। हर्ष शुक्ला है जो कि मध्य कक्षा के छात्र हैं और पुणे में रहते हैं, पूछ रहे हैं कि परीक्षा के समय हम अति कठिन तैयारी करते हैं, खाना पीना तक भूल जाते हैं, ऐसे समय में जब प्रश्न पत्र देखते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता और हम अपना आत्मविश्वास खो जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और उसे माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया मार्गदर्शन करें। आप में से कितनों को लगता है कि आपका आत्मविश्वास है जाता है? कितनों को ये सवाल बहुत से बच्चों ने पूछा है और ये बिल्कुल सही सवाल है कि मेहनत में कोई कमी नहीं होती। खुद ने भी मेहनत की होती है, अपने पेरेंट्स ने भी की होती है, टीचर्स ने भी की होती है, हमने भी ईमानदारी से की हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई टीचर को अच्छा लगे या माँ बाप को अच्छा लगे, ईमानदारी। लेकिन एक चीज अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कितने ही मेहनत की क्लासों में बैठते हैं सबको याद आता है, ये भी आता है, ये 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 आता है।